एक बहुत खूबसूरत फिल्म है ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग फिल्म है कि ये फिल्म अलग लोकेशन पे शूट हुई है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। मेरे जानने में भोजपुरी की कोई फिल्म शूट नहीं हुई। मैंने एमपी में बचपन से रहा हूँ, जबलपुर में। खजुराहो हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बट ये दिस इज द फर्स्ट मूवी जो शूट हुई है खजुराहो में, जिसकी लोकेशंस को खूबसूरत यूज़ किया है और प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म में अलग है, और अपने आप में कहानी के लेवल पे, परफॉर्मेंस के लेवल पे बहुत प्यारी फिल्म है। खजुराहो वहाँ के लोग, वहाँ के गांव वाले, जिस गांव में, जिस जगह पे हमने शूट किया, वो लोग हमें बहुत प्यार कर रहे थे। और शॉकिंग ये था कि वो लोग भोजपुरी देखते हैं। भोजपुरी आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पहुँच गई, ये हमारे लिए शॉकिंग था। इसमें भोजपुरी मेकर्स का योगदान है, एक्चुअली इसमें योगदान प्रोड्यूसर्स का है। जो प्रोड्यूसर जहाँ का होता है वो अपनी लोकेशन ढूंढता है, इसमें एक्टर कुछ नहीं करता है। इस बात के लिए संजय गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, सूरज शाह, ये लोग, इनको क्रेडिट जाना चाहिए, हमें नहीं। हमें तो जहाँ बोला जाता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सर एक बड़ी खूबसूरत टीम है ये बहुत अच्छी टीम है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, को आर्टिस्ट, मतलब एक कंप्लीट यादगार सिनेमा है मेरे लिए एज एन एक्टर। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बहुत आप लोगों की बड़ी डिमांड होती है अलग फिल्म, अलग कहानी, भैया अलग कहानी लेके आ गए हैं। रामचंद्र, ये बड़ा अजीब सवाल होता है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि दिमाग से कुछ फिल्में मिस हो जाती हैं, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज़ होते हैं। मेरी साल में 12 महीने होते हैं तो मेरी 17 फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो 17 नाम सडनली याद नहीं आते, ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा। Planet Bhojpuri.